नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका TGTPGT आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कला की परिभाषा जो अलग अलग लोगों ने दिया है वो क्या है। कई बार आपको ये कंफ्यूज करता है, तो इसको देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे अलग अलग जो ग्रुप बने, जैसे ग्रुप 1890 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड सारी बात करेंगे, कौन इस ग्रुप में है। इसके अलावा हम देखेंगे कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। शिल्पी चक्र के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद में पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर ये चीज़ें आप देख लेंगे तो आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल आप पक्का पेपर में पाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो ऐसी संभावना है कि आप पा सकते हैं। तो मैं क्लास शुरू करूँ उससे पहले आपको एक जानकारी देता हूँ। अगर ये PDF आप चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप TGT PGT आर्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जा करके, और आपको हमारे चैनल का लोगो वहाँ पर दिखेगा, जो लोगो हमारे चैनल का जिसमें आँख दिखती है छोटी सी, तो आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। देखते हैं कला की परिभाषा जो अलग अलग लोगों ने दिया। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा, प्लेटो ने कहा। कला अनुकरण है, अरस्तू ने कहा, ठीक है। महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है, गेटे ने कहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह शिल्प है सतपथ, ठीक है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, क्रोचे। क्रोचे अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। आगे देखते हैं, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हीगल। हीगल क्या कह रहे हैं, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अपने भावों की रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे, ये किसने कहा, टॉलस्टॉय ने कहा कला के बारे में। कला एक अभिव्यक्ति है रस्किन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, क्रोचे ने कहा है, और कला एक अभिव्यक्ति है ये रस्किन ने कहा है। तो ये जो है आपको कन्फ्यूज कर सकता है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। क्रोचे ने क्या कहा है, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, और रस्किन ने क्या कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये शैली ने कहा। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, फ्रायड के अनुसार। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है, ये कहा श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप है उसे कला कहते हैं, हर्बर्ट रीड। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अभिव्यक्ति से रिलेटेड 3 लोग हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रस्किन ने कहा कि कला एक अभिव्यक्ति है, और क्रोचे ने क्या कहा कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लेंगे। एक बार में नहीं याद आ रहा, दोबारा पढ़ लो यार, पढ़ लो एकदम आखिरी टाइम में, सुन लो बस। वीडियो सुनना है आप जब आप अपना बुक से पढ़ाई करने के बाद में उठते हैं कोई काम करने के लिए, तो कान में ईयरफोन लगाइए, वीडियो प्ले कर दीजिए, चलते रहने दीजिए, ठीक है, आपके कान में पड़ेगा तो ये याद रहेगा। चलिए देखते हैं, ग्रुप 1890 जिसकी स्थापना नई दिल्ली में 1963 में हुई, ठीक है। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में हुई, भावनगर गुजरात में। कहाँ पर हुई, गुजरात में हुई। ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति कब और कहाँ मिली, 1963 ईस्वी में इसको औपचारिक स्वीकृति मिली। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे, जे स्वामीनाथन थे। कौन थे, जे स्वामीनाथन थे। आगे देखते हैं, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे कारण क्या था, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, ठीक है। तो यानी कि घर के नंबर के आधार पर इसका नाम पड़ा था। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई, जे पांड्या के मकान पर हुई, जिसका नंबर था 1890। ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। कौन कौन था, ये ध्यान देंगे आप, जे स्वामीनाथन थे, जे राम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत साज, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, यस जी निगम और एरिक बोबन। तो ये इतने लोग थे जो इस ग्रुप में थे। ग्रुप 1890 का कैटालाग किसने तैयार किया था, अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पास ने, ठीक है। तो इसका कैटालाग किसने तैयार किया,
रूस के एक राजदूत ने आक्ता बीजो बाज ने, ठीक है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो यह है ग्रुप 1890, ठीक है। ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी 20 से 29 अक्टूबर 1963 को रवींद्र भवन नई दिल्ली में हुई और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि व कला इतिहासकार था? जी एम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन है? ज्योति भट्ट, ठीक है, कौन है? ज्योति भट्ट हैं। अब देखते हैं कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप क्या है? भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप था कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना किसने और कब की? ये किया मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 ईस्वी में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तथा नामी तथा गुड़ी कोलकाता में, ठीक है। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ? कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप में कितने कलाकार थे? 8। अभी आपने देखा था 1890 वाले ग्रुप में कितने थे? 12, ठीक। आगे देखते हैं, प्रदोष दास गुप्ता थे इसमें, सुबो टैगोर थे, गोपाल घोष थे, नीरज मजूमदार थे, हेमंत मिश्र थे, पारितोष सेन थे, रतन मित्रा थे और जैनुल आबदीन थे। कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहां आयोजित हुई? 1944 में मुंबई में। कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित हुई? 1945 में मुंबई में ही। कलकत्ता ग्रुप की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी 1950 में हुई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ मुंबई 1947 में, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, इस ग्रुप के संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। 1943 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा इसमें 8 सदस्य थे, ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की। किसने? जो भारत में विभाजन के बाद वापस आए थे। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1949। रट लो भैया, 25 मार्च 1949 को शिल्पी चक्र की स्थापना हुई, ठीक है। शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की? बी सी सान्याल भावेश चंद्र सान्याल ने किया। किसने किया? भावेश चंद्र सान्याल ने किया। दिल्ली शिल्पी चक्र के जो अन्य सदस्य थे, यामिनी राय, एक बड़ा नाम यामिनी राय थे इसमें, धनराज भगत, मूर्तिकार प्राणनाथ मांगो, कंवल कृष्ण, के एस कुलकर्णी, देव यानी कृष्ण, यानी कि कंवल कृष्ण की जो पत्नी थी, जया अप्पा स्वामी, राम कुमार इसमें थे, ठीक है, राम कुमार, सतीश गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल के भाई, और रामेश्वर ब्रूटा इसमें, यानी कि इतने सदस्य इसमें थे, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई? 1949 में जनपथ मार्ग नई दिल्ली, ठीक है। शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनवाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा है? के एस कुलकर्णी के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया? ये है धनराज भगत जी। शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया? जया अप्पा स्वामी ने। शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था? राम कुमार। शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य ग्राफिक कार है? कृष्ण खन्ना, ठीक है। तो ये है आपका शिल्पी चक्र। आगे देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसकी स्थापना 1947 में हुई, ठीक है। प्रोग्रेसिव यानी कि इसको प्रगतिशील समूह भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील। स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था? एफ एन सूजा। कौन थे? एफ एन सूजा थे। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? एफ एन सूजा ने लिखा। पैक के सचिव का नाम बताइए, एफ एन सूजा। इसके अलावा हम देखेंगे प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? एफ एन सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? रजा सैयद हैदर रजा। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में, ठीक है, पेंटर के रूप में। पैक की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट के सैल जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई? 1949 में हुई। पैक की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? मुल्कराज आनंद ने किया, ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक। पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद कौन है? इंग्लिश साहित्यकार हैं। अनटचेबल के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद हैं। पैक का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? सदानंद जी बाकरे। प्रोफेसर लेंगम हैंड कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे, ठीक है। आगे देखते हैं पहाड़ी चित्रकला के विद्वान और उनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। ओसी गांगुली ने लिखा है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है।
एन सी मेहता ने लिखा है स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग, जे सी फ्रेंच हिमालयन आर्ट, डब्ल्यू जी आर्चर इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है, ये किसका है? डब्ल्यू जी आर्चर का। एम एस रंधावा, कांगड़ा शैली बैली पेंटिंग, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग। किसने लिखा है? एम एस रंधावा ने। काल खांडावाला ने क्या लिखा है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, एफ एस इजाजुद्दीन, पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। ये किसने लिखा है? एफ एस इजाजुद्दीन ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और शेयर करना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है, कुछ और चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टीजीटी पीजीटी आर्ट जाकर के टेलीग्राम पे लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।